शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास अगर कोई जैज़ या जोंग किसी भी कंपनी की कोई विंगर या बोल्ट जिसे आप चार्जिंग कहते हैं वो अवेलेबल है या आप ख़रीदने वाले हैं, लेकिन जो न्यू वर्जन आ रहे हैं इस वक्त जैज़ के या जिस कंपनी के मर्जी एनी कंपनी के जो भी नई वर्जन आ रहे हैं विंगर या बोल्ट के चार्जिंग के, उनके अंदर आप एंटीना की पोर्ट उन्होंने नहीं दी, आप उसके साथ एंटीना नहीं लगा सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास वो विंगर या बोल्ट आपने ख़रीदा या ख़रीदने वाले हैं और आपको वो इस जगह जहाँ पर रहते हैं वो सिग्नल नहीं देता या नहीं दे रहा, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह उसके साथ एंटीना लगाकर एक बेहतरीन सिग्नल हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एंटीना पर है और जैज़ की 4G पर ही है, जो बोल्ट होती है 4G न्यू वर्जन आया है बिल्कुल, लेकिन मेरे पास इस वक्त अनलॉक है और ये विंगल पर ही है और साथ में ये एक इसकी एक्सट्रैक्शन डब्बी है जो आप इस विंगल या चार्जर के साथ लगाएंगे। जब आप इसे इसके साथ लगाएंगे तो ये आपको बेहतरीन सिग्नल फराहम करेगा, जहाँ पर सिग्नल नहीं भी आते वहाँ पर भी बेहतरीन सिग्नल फराहम करेगा। ठीक हो गया, आज की वीडियो में बताता हूँ कि आप इसे कैसे अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कंटेनर जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, ठीक हो गया, वायर इसके साथ जितनी दी हुई है आपने इतना ही ऊंचाई से टीने को लगाना है। ठीक हो गया, ये इसके साथ 60 फुट की वायर है यानी 20 गज इसके साथ वायर दी गई है। ये इसका कनेक्टर रहा है जैसे कि आप देख लें और ये डब्बी है। ठीक हो गया जी, ये जैज़ की 4G डिवाइस है मेरे पास इस वक्त मौजूद है और ये अनलॉक है। ये जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी ये सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम दे रही है, लेकिन फिर भी मैंने एंटीना लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये बेहतरीन काम कर रही है। ठीक हो गया, ये डब्बी है, जैसे कि आपने इसे इंस्टॉल करने से पहले आपने इसे खोलना है। ये देखें, यह मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये इसके साथ डब्बी है, इसके साथ एक कनेक्टर लगा हुआ है, आपने सिर्फ यहाँ पर कनेक्टर को कसना है। जैसे कि आप देख लें, जैसे कि मैं कस रहा हूँ, ये देखें, आपने इसे फुल कस देना है इसके साथ और ये डब्बी रही, आपने इसके साथ ऐसे लगा देनी है। जैसे कि आप देख लें मेरे पास जो जैज़ की ये सुकर विंगल मौजूद है, इसके साथ कोई भी पोर्ट नहीं है जो जिसके साथ आप एंटीना लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसकी जो चार्जिंग लीड जहाँ पर लगती है वो है, यहाँ पर रीसेट का बटन मौजूद है और यहाँ पर सिम पोर्ट मौजूद है। ठीक है, ये ऊपर इसके इंडिकेटर दिए गए हैं और ये दो इसके बटन मौजूद हैं WPS का और ऑफ का। ठीक हो गया, ये आप देख लें, इसके साथ कोई भी एंटीना नहीं लगता। जब आप इसे ऊपर लगा लें, इसके साथ ये वायर आपने इसे ऐसे लगाना है, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन देख लें, आपने इसे ऐसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना। ठीक, कहीं दोस्त ऐसे लगा लेते हैं लेकिन ऐसे नहीं लगता, ये ऐसे लगता है। इसके अंदर से आपने वास गुजार लेना है और इसे ऐसे लगा देना है और ये नीचे आ जाएगी डब्बी और ये आपकी जो बोल्ट यानी चार्जिंग होगी इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये इसके साथ चिपक गई है, ये देखें, आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास विंगल मौजूद है और विंगल भी आपको सिग्नल अच्छे फराहम नहीं कर रही, तो आप इसके साथ भी ये लगा सकते हैं। ये देखें, इसके ये इसको भी बेहतरीन सिग्नल फराहम करेगी। और किसी दोस्त को ये सिस्टम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक होगा और इंस्टाग्राम का, वो मुझसे रब्ता करके ये मंगवा सकता है। और इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।